आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, घर धोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं भी, सच कहता हूँ मैं भी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के। अरे राधा माधव सरकार की, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं भी, सच कहता हूँ मैं भी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों के। ये राधा माधव सरकार की। राधा माधव सरकार की।
जितनी सजा देना। ये नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल। Oh,
वहां पर भी है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण
नहीं होती तो देखो कि धाम का सबसे टॉप फ्लोर क्या है, तो धाम कहते हैं जहाँ पे गाय होती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राइवेट बाइक में। अभी एक बार यूज किया लीला, लीला का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग दुनियादारी के लोग क्या करते हो, टाइम पास करते हो ना, टाइम पास। जब भगवान टाइम पास करते हैं तो उसको देखिए लीलाएं कहते हैं उनको। भगवान ही अभी श्रीमती राधा रानी, तो जब कहते हैं ना मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, तो शुद्ध भक्ति को जब आप पर्सन बना लोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो चीज आपको दिखती है वो एक पर्सन भी होता है। सुदर्शन चक्र में क्या सुदर्शन चक्र एक पर्सन हो सकता है? सुदर्शन चक्र भी एक पर्सन है, ठीक है। हर एक चीज जैसे सुना हमने यहाँ पे चीज चीज होती है, वहां पे हर एक चीज नहीं होती, चीज एक पर्सन है, ठीक है। यमुना क्या एक नदी है, बट क्या यमुना एक डिवाइन पर्सनैलिटी है? यमुना मैया की डिवाइन पर्सनैलिटी की थी, और ये सब आपके कहा दिखा रहा है महाभारत करता, वो नदी भी है और एक डिवाइन पर्सनैलिटी की विषय भी था, ठीक है, गंगा पुत्र विष्णु। तो वैसे ही भगवान को जो आनंद देने वाली उनकी लाली शक्ति है उनको राधा रानी कहते हैं। भाभी क्या क्या बताया, रास मंडल जहाँ भगवान का अल्टीमेट प्रेजेंट चल रहा है, बड़े बड़े राजा होते हैं, विराज भवन होते हैं, उनके धाम का सबसे प्राइवेट पार्ट रास मंडल है, वहां पर वो प्रकट हुई है। और राधा की वो भाग रही है भगवान की सेवा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने हरे हरे शब्द इसको रिप्रेजेंट करता है, ये हरा है, ये राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान देखिए ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, फिर भी समझने के लिए अगर भगवान का एक मैस्कुलिन पार्ट निकाल दो वो कौन हुए, विश्वा स्त्री शक्ति, वो कौन रही राधा रानी। तो राधा रानी का एक और नाम क्या है, हरा। तो हम इस हरे कृष्ण महामंत्र में क्या कह रहे हैं बार 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 कि राधा रानी जैसे आप भगवान श्री कृष्ण राम की सेवा सारा की हमें क्या मिल सके, प्रभु की शुद्ध प्रेमा भक्ति और सेवा हम प्राप्त कर सके। सांसारिक जीवन में भी जब आप किसी बड़े इंसान को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या डायरेक्टली चले जाते हो या उसके नजदीकी किसी पर्सन के थ्रू लिंक निकालते हो आप? मान लीजिए कोई एमएलए साहब से आपने बात करनी है तो डायरेक्ट चले जाओगे या कोशिश करोगे कि किसी ना किसी के थ्रू? मान लो अगर किसी पार्टी में आप उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो आपकी कोशिश होगी ना उनके थ्रू बात करने की या नहीं होगी? आपके बहुत खास भक्त है, ऐसे किसी को वृंदावन धाम में क्या जन्म मिल सकता है? ऐसे नहीं मिलता है किसी को। इसीलिए कभी भी वृंदावन धाम जाओ ये मत सोचिए अरे ये रिक्शा वाला है ये है, बिकॉज आपको ज्ञान नहीं होता वो भगवान के शुद्धतम भक्त है, चाहे वो रिक्शा चला रहे हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, वो ब्रजवासी है। चैतन्य महाप्रभु ने गलियों गलियों में निकल के ज्ञान क्यों दिया, क्या बुलाना है हमें? जल्दी हमें जाप हरे कृष्ण का करना है, क्योंकि हमारा अभी वैसा संबंध हो नहीं पाया राधा रानी के साथ। तो हमारा फॉर्मल तरीका है कि हम उनको हरे के नाम से पुकारे ताकि वो हमारे कष्ट भी हरे और साथ साथ में हमें भगवान से शुद्ध ये विनीत प्रार्थना करे। क्या प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं और प्रभु की सेवा मांग रहे हैं? सुरेश जी क्या मांग रहे हैं आपको, गौतम जी क्या मांग रहे हैं आपको, नीतिका जी आप क्या मांगेंगे? हमें ये तो पता होगा कैसे नहीं होगा, आप फिर आओगे फिर कलेश होगा, फिर जन्म होगा फिर क्या मिलेगा आपको? दो ही दिन ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें आपको पूरा सुख मिले, लेकिन ये हो सकता है ऐसा हर एक जन्म में आपको कष्ट मिलेगा। जब तक आप इस तत्व को नहीं पकड़ लोगे कि सच्चा आनंद केवल प्रभु की सेवा में है और आपकी डिजायर प्रार्थना करने की शक्ति किस डायरेक्शन में चले जानी चाहिए, प्रभु मिले नहीं मिले आपकी मर्जी है, उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। कंडीशन ही लगानी है, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये दे देगा, जैसे ही आपने ये किया फिर आप निश्चित भक्ति में फंस जाओगे। ये मांगे प्रभु मैंने आपकी भक्ति करनी है, राधा रानी निश्चित प्रेम भक्ति दो, मुझे भक्ति में इतना लीन कर दो कि संसार का विष भी मुझे अमृत लगे, जैसे मीरा बाई को लगा था, जैसे प्रहलाद महाराज को चिता में भी क्या हो गया था, कोई टेंशन नहीं हो रही है। Happy birthday to you.
Gracias.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama